हैवी स्नोफॉल और गाड़ियां यहाँ पे स्किड हो रही है, परेशानी हो रही थोड़ी। दोबारा ऐसे पैदल वाला नहीं करेंगे ट्रिप, कपल्स हो तो थोड़ा मुश्किल होता है चलना। तो दोस्तों स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल हैवी स्नोफॉल देख रहे हो, टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे -2 डिग्री चल रहा है। दोस्तों आज जिस पल का मैं इंतजार था ना, फाइनली वो आ गया। बाल बाल सारे खराब हो रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्नो जो हमें मिली है। फाइनली तीसरा दिन है आज और मैं आपको स्नो दिखा। तो स्नोफॉल मिली गई हमें आखिरकार यहाँ पर आने के बाद। ये देखो स्नोफॉल पड़ रही है, ये देखो मेरे हाथ, देखो ये देखो, ये देख रहे हो। मनाली में हमारा तीसरा दिन था, आज है 20 तारीख। हाँ सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 8। ये देखो ये पूरे जो कल वाइट मतलब ग्रीन थे आज वाइट हो चुके हैं, मजा आ गया। अब पढ़ना मतलब स्टार्ट हो गई, अभी ये पूरी प्रॉपरली नहीं है मतलब, हाँ मिक्स हो रही है बारिश के साथ हल्की सी मिक्स है, बाकी खैर देखते हैं क्या पता आज पूरी मिल जाए। मजा आ गया, देखो ये आ गई, ओ चादर ओढ़ के आइए भाग के एकदम पल्लू। चलो फिलहाल अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस मनाली में पड़ गई स्नोफॉल, देख रहे हो इसी लम्हे का इंतजार था और आज हमें ये मिल ही गया। इसको इसका टोपा देखो, इतनी सारी पड़ गई। तो चारों तरफ स्नो स्नो हो रही है, देखो पूरा मतलब स्नो रही है। हम छत पे आ गए थे होटल की अपनी, पीछे लकड़ी रखी हुई है और ये पूरा का पूरा वाइट हो गया है। तो अभी चल रहे हैं हम, इसके बाद माल रोड चलेंगे, माल रोड पे देखते हैं, वहाँ मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। ये देख रहे हो स्नो होने लग गई स्टार्ट, ये तो वीडियो कॉल पे स्टार्ट हो गई है। देखो अभी बर्फ पड़ रही है। तो गाइस नीचे चल रहे हैं और अब नाश्ता वास्ता करेंगे, बाहर चल रहे हैं माल रोड पे। फिलहाल अब हल्की हो गई थोड़ी स्नोफॉल, लेकिन अभी भी हो रही है, थोड़ी स्लिप हो रहा है, थोड़ा स्लिप हो रहा है। पीछे देख रहे हो मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो रहा है ना, सारा स्नो है। इधर भी आप देखो स्नो ही हो रही है, मतलब स्टार्टिंग हुई है अभी कुछ दिनों के बाद। तो अब नीचे चल रहे हैं, तो हल्की हल्की से भी स्नो हो रही है। ये इधर का व्यू नहीं, हाँ उसके मिक्सअप है अभी, यहाँ से बाहर चलेंगे। हाँ जी सर, नाश्ते की दुकान है। मॉल रोड मैं तो ऐसे उठ के आया, बस मैंने ये डाल रखे हैं कपड़े बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे जितने जो आए हुए थे यहाँ पे टूरिस्ट सारे बाहर आ गए मॉल रोड पे। मॉल रोड पे आए थे, चलते चलते बाहर आ गए थे, तो यहाँ से थोड़ी सी हमने बेर लिए, ये रहे बेर 100 रुपये किलो। बाकी ये भी सब्जी की दुकान, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं और वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं। अच्छा हमें क्या लेना है, हाँ अभी मैगी लेनी है, मैगी थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है, एग भी मिल जाते हैं, एग और मैगी दोनों चाहिए ना। एग वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ मिल जाएगी, आ वो रहे वहाँ मिल जाएगी, हाँ रेड वाली धनिया नहीं है वो, ये हाँ। ये मॉल रोड के अंदर जो मार्केट लगती है ना वो है, मतलब शॉप से जो। अब ले लो ना, एग्स कितने लो बता, एक ले लो ना, एक रखा है ना हमारा, हाँ एक चार है। ले लो तो, ये सामान ले लिया यहाँ पे, चल रहे हैं होटल की तरफ। समोसे हैं इनके पास, कितने का समोसा भैया चाहिए, समोसा खाओगी नहीं, कचौरी कचौरी कैसी थी, 30 की एक ले लूं, साथ सब्जी होगी या क्या होता है, जाने के साथ है दोस्तों। ये शॉप है, 20 रुपए की कचौरी थी, 15 का समोसा और ब्रेड 20 का। बाकी स्नोफॉल हो ही रही है अंदर की शॉप से, यहाँ पर जो उबला हुआ एग मिल रहा है ना वो थोड़ा महंगा मिल रहा है, 30 रुपए का एक, तो हम घर पे आके खुद ही बाल लेते हैं। क्या गाइस देखो प्याज देखो किस तरीके से कैरी किया है पीठ पर,
मतलब पहाड़ी लोग जो पहाड़ों पर चढ़ना होता है ना, तो उसके लिए होता है। हैंड में अगर कैरी करेंगे तो हाथ बहुत ज्यादा दर्द हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ के लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही बांध के ले जाते हैं इसको। देखो इंटरेस्टिंग लगता है पूरा एक तरीके का, वो बन गया। नहीं जरूरत नहीं उसकी, अब गंदी स्नो पड़ी हुई यहाँ पे भी, अभी ताजी स्नो होने लगी है। स्लिप हो रहे हैं, आराम से चलो। आप शॉपिंग करनी थी तुम्हें, ये देखो कैसे भूली हुई जैसे पड़ी हुई है छोटी-छोटी। और वहां से उतरते हैं और वहां से हम होटल की तरफ अपने चलते हैं। ये बनने लगी वाइट, ये ताजा स्नो पड़ी है तो वाइट वाइट वाली, बाकी नीचे इसके थोड़ी थी वो पुरानी स्नो थी। स्नोफॉल हो ही रही है आप जैसे। तो गाइस सामान ले लिया था, चल रहे हैं होटल की तरफ। अंदर को आ गए हैं, ये रिकुल इसे टोपा देखो पूरा सफ़ेद हो रहा है। हमने पराठे लिए भी यहाँ पर, 40 रुपये का एक था आलू का, आलू प्याज का, बाकी अलग अलग वैराइटीज से होते हैं यहाँ पे। डॉगी देखो ये भी मांग रहा है कुछ। तो पूरा का पूरा स्नो सब पैक है। इस टाइम हम लोग ऊपर आए थे, हमने कहा चलो ऊपर ही शूटिंग नहीं करके अपनी वीडियोज़ बना लेते हैं थोड़ा सा कुछ तो रहेगा इंस्टाग्राम पर डाली। ये रिकुल देखो, हम दोनों ने सेम सेम फिर पहने। ये मुझे गिरी गवार की तरह लग रहा है, ऐसा है क्या? मैंने गवार नहीं कहा था, मैंने कहा ये ना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लग रहा है, ये देखो मेरे जूते की निशानी बन गई नीचे। फिलहाल ऐसा कुछ व्यू हो रहा है फिलहाल आज की हमारी बस से। आज हम यहाँ से चल देंगे, और यार इतनी हैवी स्नो फॉल हो रही है, आई डोंट नो कि हम कैसे जाएंगे। बाकी जो भी है चलते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर में आपको मैं एंड में दिखाता हूँ क्या कुछ करने वाले हम। तो दोस्तों स्नो फॉल हो रही है, बिल्कुल हैवी स्नो फॉल देख रहा हूँ। होटल वोटल हर जगह सब जगह बिल्कुल बर्फ ही बर्फ हो रही है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ हो रही है। आराम से चलना पड़ेगा। फिलहाल गुल और मैं आ रहे हैं रेलिंग पे, देख रहे हो ये पूरी स्नो ही जमा थी, हमने हटा दी। आराम से है ना, जो आप देख रहे हो ना टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे -2 डिग्री चल रहा है। बाकी कल मौसम मतलब ठीक है, लेकिन स्नो के चांसेस इतने नहीं है, लेकिन आज चांस 100% स्नो के थे, तो आज स्नोफॉल हो रही है। बाकी बाइक देख रहे हो पीछे की, बाइक देख रहे हो सारी की सारी स्नो से हो रही है। अभी हम चल रहे हैं मॉल रोड, चल रहे हैं मॉल रोड, तो थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी हमें, शॉपिंग करते हैं यहाँ से फिर निकलते हैं। तो दोस्तों हैवी स्नोफॉल और गाड़ियाँ यहाँ पे स्किड हो रही है, ये देख रहे हो, ये देखो इधर आओ, चारों तरफ ये देखो थार, देखो थार। यार ऐसा लग रहा है ना मैं साइबेरिया में आ गया हूँ, इस टाइम बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है यहाँ पे। ओए होए मजा आ गया, सच में मजा आ गया। गाड़ी चढ़ नहीं रही है सही से, देखो ये भी ऐसे चढ़ रही है, स्लिप हो रही है बहुत ज्यादा, ये देखो स्लिप होती है, इसलिए कह रहा था वो जगह हमें 4x4 ही सक्सेस है भाई। ये देखो ये देखो, देख रहे हो उसको चढ़ नहीं पा रही है गाड़ी, देखिए कार ये चढ़ जाएगी, ये अली चढ़ जाएगी, 4x4 है, जीप चढ़ जाएगी, ये जितनी जीप चल रही सारी चढ़ जाएगी। गुल इस तरह फाइनली गाइस पैकिंग हो रही है हमारी मनाली से घर जाने के लिए, देख रहे हो। शॉपिंग कर ली थी बाहर, बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ही ज्यादा हो रही थी आज। तो बाकी हमने खूब मजे लिए, फर्स्ट टाइम मैंने स्नो देखी मतलब स्नोफॉल होती हुई देखी, बहुत अच्छा लगा था ट्रूली। बट अब हम यहाँ से चल रहे हैं पैकिंग वैकिंग करते हैं यहाँ से, बस हमारी रात की है। देखते हैं बस वालों को फोन करना है, कभी कैंसिल ना हो गई हो तो उसको फोन करते हैं, उसके बाद चलते हैं पैकिंग करा ले, देन यहाँ से निकलते हैं। तो भाई यार स्नोफॉल होने की वजह से ना यार जाम लगा हुआ है बहुत ही लंबा, आप देख रहे हो ये देखो। ओहो क्या हुआ, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। कितनी दूर है अभी, 2 मीटर। तो यार सच में यार मनाली आओ ना, और स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल हो जाए तो उस दिन अवॉइड करना जर्नी करने से अपनी, क्योंकि अगर बस से आ रहे हो तो बस से ऊपर मिलेगी नहीं जो पुरानी पार्किंग है यहाँ की, मतलब वॉल्वो की पार्किंग है वहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी, तो आपको नीचे डिस्टेंस तय करना पड़ता है क्योंकि नीचे से बसें चलती हैं।
और वो डिस्टेंस आपको पड़ जाएगा 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर पैदल चलना बहुत बड़ी बात होती है यार आपस में, मतलब लड़के लड़के हों तो बंदे चल जाते हैं, लेकिन अगर साथ में कपल्स हों तो थोड़ा मुश्किल होता है चलना। आओ परेशानी हो रही थोड़ी, अरे देखो यार यहाँ की कसम से पूरा का पूरा ना एक कहते हैं ना मूड खराब सा हुआ है। 5.5 किलोमीटर हम पैदल हम चले हैं अपने लॉन्स, मतलब अपने जहाँ ये उतारती है प्राइवेट वॉल्वो पार्किंग है वहाँ से 5.5 किलोमीटर यहाँ पे आना है यार बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर स्नो गिर रही है, रोड बिल्कुल जाम थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिलहाल हम जिंग बस के यहाँ पर मनाली के उसमें आ चुके हैं लॉन्जियरस का यहाँ। तो दोस्तों ये जर्नी ना एक हमारे लिए कि बहुत बड़ा है, कहते हैं ना मोमेंट, बहुत सारे मोमेंट्स ने तैयार कर दिए हमारे लिए, मज़ा भी आया बट लेकिन ना परेशानी भी बहुत ही। फिलहाल अंदर चले वॉशरूम होते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। मेरे भाई भीड़ है भाई यहाँ पे, बहुत भीड़ देख रहे हो। वॉशरूम गए थे वहाँ से बाहर निकले यहाँ से, एंड तो थोड़ी बात पता क्या है यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सारे ही वॉक डिस्टेंस तय करके यहाँ पे आए और परेशान बहुत ज़्यादा हुए। ये दोनों गए कहाँ ये देख लेता हूँ मैं, तो बस के अंदर चलेंगे हम। आई होप दोनों आ गए हो, ये रिंग गोल खड़ी हुई, मजा आया देखो। अरे धज्जिया उड़ गई इतनी गंदी धज्जिया उड़ी है हम लोगों की, बस दोबारा ऐसे पैदल वाला नहीं करेंगे ट्रिप। ये मजा आया। हेलो, ये भागते हुए आ रही थी, भागते हुए क्या करती है, जल्दी जाना था। उस टाइम ना हम बस में दो इतने गंदे वाले स्नो हो रही थी और कीचड़, इसलिए मैंने कॉल। शूज देख रहे हो बिल्कुल गीले हो चुके हैं, पैर भी गीले हो गए, मेरे तो धुल गए, धोना नहीं पड़ेंगे। ये देखो इसका एडवांटेज देखो, मैं शूज अच्छे, ये पूरी हमारी बस। फिलहाल अब बैठते हैं, बैक साइड की सीट है, झटके तो नहीं बनना चाहिए ज्यादा, चल टायर से थोड़ा देर पहले, बाकी ये चलो चलते हैं बैठते हैं, उसके बाद आपको ये जर्नी भी मैं आपको दिखा। दोस्तों सुबह के 7 बजे हम फाइनली घर पहुंच गए, बस बहुत तेज चला रहा था यार सच में, और एक ही स्टॉप पड़ा था, हम सब सो रहे थे इसलिए मैं उतरा भी नहीं। फिलहाल घर पहुंच गए, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's.